अस्सलाम वालेकुम, आबिद मुनीर। और स्टोरी कुछ ऐसे है कि आई वाजंट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो उस वजह से मैं कुछ अच्छे सीन्स नहीं ले सका आज। हाँ, अलबत्त आज ऑपरेशन थिएटर में हमने एक आम अल्फाज में कहेंगे नोज़ का हमने ऑपरेशन किया, तो उसकी स्टोरी मेरे पास है, तो वो स्टोरी मैं आज शेयर करूँगा। तो उसके अलावा कुछ ज़्यादा स्टोरी नहीं बन सकी क्योंकि आई वाजंट दैट गुड इनफ। मैंने शायद सही अंग्रेज़ी बोली है, हाँ थोड़ी सही बोली है। तो सर होप यू मिलते हैं कल। कल एक मज़े की चीज़ आ रही है, तो कल के व्लॉग या फिर उसको कुछ नया नाम देंगे कल जो आ रहा है। तो स्टे हैप्पी माय डियर फ्रेंड, ऑल द फ्रेंड माय डियर पेलोज, ऑल द फ्रेंड हैप्पी न्यू यॉर्क, हैप्पी हैप्पी न्यू यॉर्क। तो 17 ईयर से यंग हो उनमें आप SMR ना करें क्योंकि नोज शेप डिफॉर्मिटी हो जाती है, सेप्टोप्लास्टी करते हैं। ये मैं लोकल एनेस्थेटिक लगा रहा हूँ, पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन जनरल एनेस्थीसिया बट स्टिल आई एम इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया। क्यों? एक तो ये है कि इसमें एड्रेनलिन के साथ एट है ब्लीडिंग ना हो, इतनी स्मॉल स्पेस में जब आप सर्जरी करते हैं तो यू नीड वेरी लिटिल ब्लीडिंग फॉर क्लियर व्यू ऑफ द ऑपरेशन साइट, ठीक है। दूसरा ये है कि एक प्लेयर रिस्पॉन्स होता है, कुछ दिनों पड़ा है प्लेयर रिस्पॉन्स, प्लेयर इंटरपल रिस्पॉन्स, जहाँ पे आप इंसीजन दे देते हैं वो जगह स्वेलिंग हो जाती है, इतने टाइम में आधे घंटे में जो स्वेलिंग हो जाए इतनी स्मॉल स्पेस में, ठीक है, वो आपकी ऑपरेशन साइट डिफिकल्टी हो जाती है। तो उसके लिए आप लोकल एनेस्थेसिया लगा दें ताकि आप ट्रिपल रिस्पांस को पैरालाइज द ट्रिपल रिस्पांस। तो स्टेप्स ऑफ सेप्टोप्लास्टी में सबसे पहले हमने नेजल पैक रखा था जो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया, नेजल पैक, उसके बाद फिर इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, इसमें एड्रेनलिन भी है ना, तो एड्रेनलिन इंजेक्ट करते हुए मुझे कौन सा वाइटल साइन चाहिए मॉनिटर करनी चाहिए, चेक करना चाहिए? हार्ट रेट। इसको इंजेक्ट करते हुए पहले थोड़ा सा अच्छी तरह कैंच कहीं ब्लड वेसल में नहीं इंजेक्ट कर रहे। SMR इज डन अबाउट 17 इयर्स ऑफ एज एंड सेप्टोप्लास्टी कैन बी डन एट एनी एज। SMR में इंसिजन कहाँ पे दिया जाता है? ऑन द कॉन्वेक्स पोर्ट, ये इसका कन्वेक्स पार्ट है, ठीक है, इस तरफ निकला हुआ है। SMR होता मैं यहाँ पे इंसिजन दे देता, और दिस इज सेप्टोप्लास्टी, सो इंसिजन इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। ये मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ड्रॉबैक क्या होता है इस एज के बॉय में सर्जरी करते हुए, कौन सी चीज़ की वजह से क्या चीज़ इनकाउंटर हो सकती है? अब अ टीनेज बॉय विद नेजल ब्लीडिंग, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड अनीमिया प्रेजेंट्स टू यू, ठीक है, व्हाट कम्स इनटू योर माइंड? नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा। फिर इंसिजन की एक और चीज़ है, ये कार्टिलेज का कॉडल एंड है, सेप्टोप्लास्टी में इंसिजन इज गिवन एट द कॉडल एंड ऑफ द कार्टिलेज, यहाँ पे इंसिजन दे देते, ठीक है। SMR में इंसिजन कहाँ पे देते हैं? एट द म्यूकोक्यूटीनियस जंक्शन, ये स्किन का पोर्शन है, इसके पीछे म्यूकोजा है, यहाँ पे दे देते हैं 5 सेंटीमीटर बिहाइंड दिस, ठीक है। पेरियोस्टियम एलिवेटर, ये पेरियोस्टियम एलिवेटर है जो अभी भी एग्जाम में बहुत कम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, फ्रियर पेरियोस्टियम एलिवेटर, फ्रियर FREER। नाउ आई एम लिफ्टिंग द म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम फ्रॉम द कार्टिलेज, यहाँ पे कार्टिलेज है, उससे हम म्यूकोजा भी हटाएंगे, म्यूकोजा साथ हटा देंगे तो देयर इज अ चांस ऑफ
perforation when the right nasal cavity will be connected with the left nasal cavity directly. इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा. नज़र नहीं आ रहा. ये देखिए. ये देखिए ना ये नेज़ो फेरिंग्स तक जा रहा है. ये दूसरी साइड पे ये. अब ये 10 साल का बच्चा है. ये बड़ा होगा. बड़ा होगा इसका नोज भी बड़ा होगा. Now blood supply of the septal cartilage is from the mucopericondium. वहाँ से blood supply आती है. अगर आपने दोनों तरफ पे blood supply काट दी तो क्या होगा? Septum नहीं बड़ा होगा, बाकी बड़ा होगा. तो बड़े face पर छोटा nose जो है ना वो suit नहीं करेगा. ठीक है? तो इसीलिए एक side का मैंने clap उठाया है. फिर ये है कि उसमें ज़्यादा का सेप्टम का पार्ट निकाल देते हैं. इसमें क्या करते हैं? ओनली डिफ्लेक्टेड पार्ट निकाल देते हैं. ये डिफ्लेक्टेड पार्ट तक मैं पहुंच गया हूँ. ये मैंने फ्रैक्चर कर दिया. कौन सा बोन फ्रैक्चर कर दिया? वोमर फ्रैक्चर कर दिया. अब वोमर को मैं निकाल रहा हूँ. वोमर किस चीज़ से कनेक्ट है? मैक्सिला से और ऊपर परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड से. परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द स्कल. तो अगर वोमर फ्रैक्चर होने की बजाय बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर हो जाए तो देयर विल बी सीएसएफ लीक. उसको अवॉइड करने के लिए क्या करता हूँ? दैट आई कट द परपेंडिकुलर प्लेट. ये मैंने परपेंडिकुलर प्लेट को कट किया. ठीक है? परपेंडिकुलर प्लेट को कट करने से अब स्कल बेस सेपरेट हो गया. इसको अब आप रोटेट कर सकते हैं. इसको आप फ्रैक्चर करें, कोई फिक्र परेशानी की बात नहीं है. ये कार्टिलेज मैंने निकाल दिया. ये परपेंडिकुलर प्लेट निकला. ये परपेंडिकुलर प्लेट निकला. अब ले लें और इसको. अब जो है ना मैं वोमर निकाल रहा हूँ. ये वोमर निकला. ठीक है? सेप्टोप्लास्टी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. अभी देखना है छोटे छोटे बोन चिप्स चीज़ वगैरह वो ना रह जाएं जो बाद में इसको प्रॉब्लम करें. ठीक है? आप बेशक एक स्ट्रोक में ना करें, लेट इट टेक 100 स्ट्रोक्स, लेकिन आपने डैमेज नहीं करना है. यहाँ पे जो डिफॉर्मिटी है इसको अब मैंने निकालना है. ठीक है? यहाँ पे थोड़ी सी कन्वेक्सिटी अभी भी रहती है. उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? जो सेप्टम कार्टिलेज है उसको रिलीज करूँगा. इधर भी देख लीजिए, ये मैं उस कार्टिलेज रिलीज कर रहा हूँ. ये दूसरे साइड पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा है ना. ये मैंने रिलीज कर दिया. कन्वेक्सिटी आप अभी देखें चली गई. कैविटी बन गई. ठीक है? अब देखिए मैंने यहाँ पे भी कट दिया. ठीक है? अगर कोई नया सर्जन हो उसको यहाँ पे भी कट लग जाए. ये दोनों सर्फेसेज एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेट हो जाए. ठीक है? तो टू रॉ सर्फेसेज अप्रॉक्सीमेटिंग विद ईच अदर क्या हो जाता है? उससे एक साइड दूसरे से जुड़ जाता है. एडहीजन्स उसको कहते हैं. एडहीजन्स टू अवॉइड एडहीजन्स बिटवीन द लेटरल एंड द मीडियल वॉल. ठीक है? स्प्लिंट रखने की क्या क्या रीजंस हैं? हम क्यों रखते हैं स्प्लिंट्स? इतनी तकलीफ दे अमल जो मैंने कह दिया कि बच्चा जितना रोएगा इसको निकालते हुए. जी ठीक है. हाँ ठीक है. एंड प्रिवेंशन ऑफ एडहीजन्स. एडहीजन्स हो जाए तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन को आप कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में तब्दील कर देंगे. ठीक है? हाँ वो काफी सिल्क है. सिल्क दे देना. ये तो 120.
तो आपने देखा कि एट द एंड ऑफ सेप्टोप्लास्टी देयर इज नो डिफरेंस इन द शेप शेप ऑफ द नोज, शेप ऑफ द नोज वही रहती है। जो थोड़ी बहुत यहाँ पे डिफॉर्मिटी शुरू में आपने नहीं देखी तो वो भी हमने करेक्ट कर दी। ठीक है, ये मैं स्टिच कर रहा हूँ एक साइड का स्प्लिंट दूसरे साइड के स्प्लिंट के साथ। एंड वाई वी इंसर्ट स्प्लिंट्स इन सेप्टोप्लास्टी और SMR प्रोसीजर और एनी अदर नेजल प्रोसीजर टू सपोर्ट द सेप्टम एंड प्रिवेंट एडहीजन। चीज बताई थी, एक कॉम्प्लिकेशन बताई थी CSF लीक, दूसरा ओरोनेजल फिस्टुला, तीसरा मैंने बताया आपको एडहीजन्स। ठीक है, चौथा सेप्टल हीमाटोमा। सेप्टल हीमाटोमा जी, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द टू फ्लैप्स वो जमा हो जाता है। तो ये स्प्लिंट जो है ना ये प्रेशर डालेगा। सर अगर हेमाटोमा बन जाए तो फिर उसको क्या करेंगे? ड्रेन कर देते हैं, फिर दोबारा इंसिजन स्टिच ओपन करके ड्रेन कर देते हैं। ठीक है, ये अब मैंने दोनों स्प्लिंट्स बांध दिए तो इसका मतलब है कि अब हेमाटोमा नहीं बनेगा। कितना टाइम है? स्टॉप कर दें इस चीज़ें, गैसेस बंद कर। ये पैक मैं क्यों रख रहा हूँ? एक तो मुझे असेसमेंट हो जाए मैंने कितना नोज खोला है, पैक आसानी से जाता है या नहीं। दूसरा ब्लीडिंग रुक जाए प्रेशर की वजह से। और तीसरा ये कि सेप्टल हीमाटोमा ना बने। सेप्टल हीमाटोमा इसका मतलब है कि ENT में और नेजल सेप्टम की सर्जरी में बहुत अहम है। उसको अवॉइड करने के लिए हमने कितने कोशिशें की जी सर। ठीक है, पहले मेल्टिंग कर दी कि दोनों साइड एक दूसरे के करीब हों, फिर उसके बाद स्प्रिंट्स डाल दिए, स्प्रिंट भी डाला, फिर उसके बाद फिर प्रेशर भी डाला। फॉर 24 आवर्स वी इंसर्टेड दिस नेजल पैक। ठीक है, अभी तो आपको शेप थोड़ी सी डिफॉर्म लगती है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पैकिंग। ठीक है, सेप्टोप्लास्टी स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया एंड एंड्स विद जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, डिफॉर्म सेप्टल कॉर्ड्स, इसमें होमर था परपेंडिकुलर प्लेट एंड मैक्सिलरी क्रेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर इंसर्शन ऑफ स्प्रिंट्स, इंसर्शन ऑफ स्प्रिंट्स के बाद नेजल पैकिंग, नेजल पैकिंग, उसके बाद फिर रिकवरी। एनेस्थीसिया वाले इसको रिकवर करते हैं। सर रिकवर कितनी देर में होता है? बनाया है, नोज में इस्तेमाल होता है, स्पेकुलम इज फॉर एक्सपोजर। ठीक है, उसमें और इसमें कुछ फर्क है? जो फर्क आपको नजर आता है वो बता दें। सर ज़्यादा लंबा, ये बड़ा है तो ये लॉन्ग ब्लेडेड नेजल स्पेकुलम के लिए, लॉन्ग ब्लेडेड नेजल है। इसका क्या काम है सर? ये ज़्यादा डीप अगर करना हो नहीं, इसमें ये है ना कि इसको इस तरह करके सेल्फ रिटेनिंग, अब आपको हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस सेल्फ रिटेनिंग। दूसरा फ्रीयर पेरियोस्टम एलिवेशन इंतहाई अहम है बेटा, आप भी देखो बाकी को भी दिखाओ, सब देखो इसका HBSC भी क्लियर है, कोई गंदगी नहीं। फ्रीयर FREER फ्रीयर पेरियोस्टियम, हाँ देख लो, हर एक इसको देख ले क्योंकि इस पर तकरीबन कोई 80% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। चलो सर, सर ये बोन्स हैं जो अपने पेशेंट से हमने निकाली है। ओके, मतलब उसके नाक की है ना, क्या की है? दो दिन में मेरी सेप्टोप्लास्टी, दो दिन में मतलब सेप्टोप्लास्टी, सेप्टोप्लास्टी सर, थोड़े दिन में मेरी। डॉक्टर लोग सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, वो इसलिए कि जूते के ऊपर कवर बहुत पहनता है, लेकिन ज़रूरी है, ओटी में ज़रूरी है, ओटी में ज़रूरी है। ये अभी ऊपर जो पहना हुआ ना, इसमें जाना चाहे रुमाल पहना हुआ, ये ज़रूरी है। ये मुझे लगता है मैं नहीं पहना, तो बस ठीक है, ज़रूरी है। मैं बताता हूँ क्यों ज़रूरी है, इससे बाल गिरते हैं, मगर अगर बाल गिरे तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है। बाल गिरते हैं तो इससे नहीं गिरता, इसके पहनने की वजह से अगर बाल गिरे तो अंदर ही रहते हैं ना, पेशेंट भी नहीं गिरते, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता है। होते हैं क्या सर, और सर और जूतों के ऊपर जराबा पहनने की लॉजिक मुझे कभी समझ में नहीं आएगी। अरे तो आपके जूते साफ नहीं होते ना? हाँ ये तो है, तो जूते उतार दें। हाँ
जैसे मस्जिद में जूते पहन के जाना मन है ना, ऐसे रोटी में जूतों के खाली जूते पहन के जाना, ऊपर जराबे चढ़ा के जाना। हाँ, ये जराबे नहीं, वो सफर जराबे स्पेशल मिलती है।